कल भाई साहब फिर से हो गई बल्ले बल्ले हम सबकी। और जैसे तुम्हारे भाई ने प्रेडिक्शन दिया था कि दिल्ली मैच जीतेगी, लखनऊ मैच हारेगी, आज 160 के ऊपर का स्कोर डिफेंड नहीं होगा बल्कि चेस होगा और दिल्ली चेस करेगी। आयुष बदौनी का मैंने प्रेडिक्शन किया था अपने लाइव शो पे, जब मैं लाइव था 6:30 बजे के बाद, टॉस के बाद मैंने इतने कॉन्फिडेंस के साथ से बोला था जब मैं टीम बना रहा था कि भाई आयुष बदौनी पक्का कुछ धमाल करने वाला है आज मैच में, 50 रन मारे और भाई सालों बाद उसके बल्ले से रन निकले हैं। किस दिन? जिस दिन मैंने प्रेडिक्शन दिया, मैंने बोला था मार्कस स्टोइनिस कुणाल पांड्या ये दोनों खिलाड़ी बैटिंग से तो फ्लॉप होंगे और बॉलिंग से भी फ्लॉप हो गए, ओवरऑल ये फ्लॉप ही रहे। बाकी मैंने आप लोगों से बोला था क्विंटन डिकॉक ये लंबी पारी नहीं खेल पाएंगे और लंबी पारी नहीं खेली, और दिल्ली की टीम जीतने के बाद कुलदीप यादव के बारे में बोला था कुलदीप यादव की भाई पूरी फैमिली आएगी मैच देखने, पक्का वो गेंदबाज 2 विकेट लेगा। कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए और मैन ऑफ द मैच भी बने, और इन्हीं के चलते काफ़ी सारे लोगों ने खूब मोटा पैसा छापा हमारे इस वीडियो के गिवअवे में। खैर, जो किस किस ने पैसे जीते कल हमारी वीडियो में गिवअवे में, उनके नाम तो आगे देख लेंगे। बट फिलहाल आप लोगों को कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। मैसेज ये है कि भाई आज के मैच भी मुझे अच्छा लग रहा है, नो डाउट, और आज भी हमारे जो प्रेडिक्शंस होंगे अच्छे ही होंगे और मुझे पूरा भरोसा है, और आज भी आप लोगों को मैं अच्छा अमाउंट विन कराऊंगा। स्मॉल लीग में क्लीन स्वीप हो, 90% कॉन्टेस्ट जीतो, ग्रैंड लीग में अच्छी रैंक लाओ और आपकी किस्मत ने साथ दिया। ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आपकी किस्मत थोड़ा सा अपना आशीर्वाद बरसाएं और आप भी अच्छा अमाउंट विन करें और फर्स्ट आएँ, ठीक है। बस अगर आपको आज भी अगर जीतना है तो आपको आज भी मेरे प्रेडिक्शंस को बहुत सीरियस लेना पड़ेगा। अगर आप मेरे प्रेडिक्शंस को सीरियस लेते हो और मन से वीडियो देखते हो, मन तन मन धन से और पूरा वीडियो देखते हो, हर एक खिलाड़ी के बारे में आप जानकारी लेते हो जो मैं देता हूँ, मैं जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ चाहे पिच के बारे में बोलूँ, चाहे प्लेइंग 11, चाहे बैटिंग ऑर्डर, चाहे मैं बात करूँ फैंटेसी की टिप्स की, किसी भी चीज़ की, तो आपको ध्यान से आपको वीडियो देखनी है बस, और वीडियो को देख के आप अच्छी टीम बनाना, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो, बस फिर से बोलना भाई पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आप लोग जितना मुझे प्यार दोगे, जितना मेरे वीडियो ध्यान से देखोगे उतना ही आपका प्रॉफिट होगा, उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे एनर्जी मिलेगी। कल फिर से आप लोगों ने 90,000 लाइक दे दिए, मगर भाइयों आज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आज 1,00,000 लाइक कर दो, ठीक है। 1,00,000 लाइक ज़रूरी है, प्लीज़ 1,00,000 लाइक कर दो, और सभी लोग कमेंट भी करना, 1,00,000 एक कमेंट सबका होना चाहिए। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो आप ना तो हमारी कोई वीडियो मिस करोगे, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, ना ही हमारे कोई शॉर्ट वीडियो मिस करोगे। और जो हमारा शो है फैंटेसी काउंटडाउन, भाई साहब ये बहुत प्यार दे रहे लोग इस शो को और बोल रहे भाई जो भी चीज़ की कन्फ्यूजन होती दूर हो जाती है, बढ़िया है। तो भाई फैंटेसी काउंटडाउन हमारा शो है, शाम को 6:30 बजे लाइव आ जाया करो, यूट्यूब पर हमारा शो चलता है, देख लो। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है लाइव सेक्शन में जाकर के एक बार चेक करो कैसा शो है, मज़ा आ जाएगा आपको। बहुत पैसा कभी खर्च कर रहा हूँ और अब मज़ा आ रहा है, क्योंकि अब आप लोगों को शो पसंद आ रहा है, आप लोग प्यार बहुत अच्छा दे रहे हो, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दो और शो के लिए अलार्म लगा लो 6:30 बजे की। बाकी हाँ, गिव अवे की बात करें तो भाई गिव अवे का जो आज का हमारा जो पहला सवाल है मैं आप लोगों से अभी पूछ लेना चाहता हूँ। देखो भाई वीडियो बनाते में तो लैपटॉप डाउन हो गया। हाँ, तो पहला जो हमारा सवाल है भाई आज के गिव अवे का वो ये है कि आज के मैच में जो आज मैच खेला जाएगा पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच में, इस मैच में कौन सा खिलाड़ी सबसे ज़्यादा रन बनाएगा उस खिलाड़ी का नाम लिखो, मतलब कौन से बल्लेबाज का स्कोर सबसे ज़्यादा होगा उस बल्लेबाज का नाम आपको कॉमेंट बॉक्स में डालना है। अगर आपका जवाब सही रहा आप 5,000 रुपये जीत जाओगे और कल की वीडियो में आपका नाम आ जाएगा। बस गिवअवे की एक शर्त है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वो कर लेना। बाकी जो गिवअवे के 2 सवाल है वो मैं वीडियो में आपसे आगे पूछ लूँगा। वीडियो स्टार्ट करें आप, कर दें, चलो कर देते हैं भाई, लव यू आपको इतना प्यार देने के लिए अभी से। चलो स्टार्ट करो, एडिटर साहब इंट्रो लगाओ, स्वागत करो हमारा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, बढ़िया को स्वागत है आपका एक और नई फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले आज होने वाला आईपीएल का मैच नंबर 27 जो कि खेला जाएगा पंजाब किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में। भाई ये मैच होगा चंडीगढ़ में। हम बात करेंगे इस वीडियो में क्या टीम न्यूज है आज दोनों टीम्स की, क्या प्लेइंग 11 होगी और बैटिंग ऑर्डर में क्या चेंजेस हो सकते हैं, पिच के बारे में जानेंगे कि क्या पिच रिपोर्ट आज की है, क्या कैसी पिच होने वाली है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर प्लेयर्स के स्टैट्स की, मतलब उन खिलाड़ियों के स्टैट्स की बात करेंगे, आंकड़ों की बात करेंगे जिनके या तो अच्छे हैं तो बुरे हैं, न्यूट्रल या नॉर्मल स्टैट्स की बात नहीं करेंगे, आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। और मैचअप्स की भी बात करेंगे कि कौन कौन से बल्लेबाज कौन कौन से गेंदबाज को कितना कितनी बार अपना विकेट देते हैं, कौन किसके सामने कितना परेशान होता है, नहीं खेल पाता है, सब बताएंगे। इससे क्या है आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको उस प्लेयर को अपनी टीम में रखना है नहीं रखना, कैप्टन वाइस कैप्टन करना है नहीं करना। और एक बहुत तगड़ी चीज़ सिखाने वाला हूँ आज प्लेयर्स मैचअप्स में, तो ध्यान से सुनना, कुछ भी
कभी भी बोल सकता हूँ, वो चीज़ सीखना जीवन भर काम आएगी। बाकी जो फैंटेसी की मैं आपको टिप्स दूंगा कि किस प्लेयर को हमें कब अपनी टीम में रखना है आज के मैच में, स्मॉल लीग में, सेफ टीम में, और कौन से प्लेयर को कब ड्रॉप करना है, रिस्की प्लेयर कौन होगा, कौन आज का ट्रंप प्लेयर होने वाला, कल तो आयुष बदौनी था, आज कौन होगा, तो सबके बारे में बात करेंगे। और मेरे क्या मैच के प्रेडिक्शन है वो भी आपको मैं दे दूंगा, क्योंकि मेरे प्रेडिक्शंस के लिए ही मोस्टली जनता आती है हमारे पास, तो मैं अपने मैच की भविष्यवाणी आपको दे दूंगा वो भी, और जो हमारी टीम है इस मैच की वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन हमारी टीम थोड़ा मैंने अलग टीम बनाई है, मज़ा आएगा आपको देख के, देख जरूर लेना, और शायद आपको मिनी ग्रैंड लीग मेरी यूट्यूब वाली टीम आज जिता दे, देखते हैं, ठीक है। बस हाँ एक चीज़ बता दो भाई कि जो भी टीम, अच्छा आप लोगों ने देखा होगा 90 लाख रुपये विनिंग का, तो भाई जिसको भाई 90 लाख रुपये की विनिंग का प्रूफ देखना है वो लोग जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख लें। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, स्क्रीन पर आपके जो टेलीग्राम चैनल दिख रहा है यही हमारा असली चैनल है। 15,80,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, 16 लाख लोगों का परिवार अपना होने वाला है, तो आप लोग जाइए ज्वाइन करिए, 16 लाख लोगों का परिवार हो जाएगा। और जिस टीम से मैं लाखों रुपये इन्वेस्टमेंट करता हूँ, जिस टीम से मैं खुद खेलता हूँ, सेम टीम आपको टेलीग्राम पर मैं दे देता हूँ टॉस के बाद। तो मेरी स्मॉल लीग की जो फाइनल टीम होती है वो टीम आपको अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। मेरी स्मॉल लीग की टीम से आप 4 मेंबर, 3 मेंबर, 20 मेंबर, 11 मेंबर, 50 मेंबर तक के कॉन्टेस्ट खेल सकते हो, ठीक है। तो उसका वो दे दिया है, और अगर लिंक अगर ना भी काम करे तो आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेना @anuragxcricket, आपको हमारा चैनल दिख जाएगा, ब्लू टिक लगा, वेरीफाइड चैनल है, 15,80,000 से ज़्यादा लोग जुड़े, असली चैनल से जुड़ना, बस नकली चैनल ना कोई ज्वाइन करना, ठीक है। और भाई टेलीग्राम पर जो दूसरे चैनल्स के ऐड आते हैं उनको इग्नोर किया करो, सब लूटपाट वाला सीन चल रहा है इस टाइम पे। बाकी एक और चीज़ आपको बतानी है कि यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे गिवअवेज, बढ़िया बढ़िया ऑफर्स मिलते हैं, तो जो भी मैं टेलीग्राम पर मैसेजेस डालता हूँ सारे मैसेजेस को ध्यान से सुना करना, फोकस करना, ठीक है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं गिवअवे के विनर्स की। तो कल की वीडियो में जिन लोगों ने गिवअवे का प्राइस जीता है, बहुत लोगों ने जीता है, ठीक है, तो जिन लोगों ने भी गिवअवे का प्राइस जीता है, कल की वीडियो में 5,000 रुपये जीते हैं, उन सभी लोगों के नाम या कॉमेंट आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, कॉमेंट ही दिख रहे होंगे, तो देख लो आपका अगर नाम आया नहीं आया। अगर आपका नाम नहीं आया तो हो सकता है कि आपने 7 बजे के बाद कॉमेंट किया हो, या फिर हो सकता है कि आपने बहुत लेट कमेंट किया हो। क्यों? क्योंकि देखो भाई जो भी मतलब जो मैं हम लोग का बजट भाई 1,00,000 रुपये का है बस एक वीडियो का, तो हम 5,000 रुपये सभी विनर्स को देते हैं और 20 विनर मैक्सिमम हम निकालते हैं एक वीडियो में। अगर उससे ज़्यादा होते हैं तो हम जो सबसे पहले 20 विनर होते हैं, सबसे पहले जिन्होंने कमेंट किया उनको हम प्राइस देते हैं। इसलिए आप लोगों से बोलता हूं कि वीडियो को सुबह सुबह देखा करो, गिवअवे में पार्टिसिपेट सुबह सुबह कर लिया करो, तो आपको कॉम्पिटिशन का फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज भी कोई बात नहीं, कल नहीं जीते तो क्या हुआ, आज जीत लेना। आज भी बहुत आसान आसान सवाल पूछने वाला हूँ, आपको करना क्या है बस पूरा वीडियो देखना शुरू से अंत तक, बीच में आपसे मैं दो तीन सवाल पूछूंगा, उन सवालों का आपको जवाब देना है कमेंट करके। अगर आपका जवाब सही रहा तो आपका तुक्का अगर सही बैठ गया तो आप जीत जाएंगे 5,000 रुपये, कल की वीडियो में आपका भी नाम आ जाएगा। बस भाइयों वीडियो को थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना वो जरूरी है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और उम्मीद करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज की वीडियो में 1,00,000 लाइक दे देना, मैं और खुश हो जाऊँगा, ठीक है। चलिए, और कमेंट सबको वैसे भी करना ही, कुछ ना कुछ, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलो अब बात करते हैं दोस्तों हम आज के मैच की टीम न्यूज़ की। तो भाई लियाम लिविंगस्टन मतलब नेट्स में काफ़ी प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, और उनका जो कोच है उसने बोला हुआ है कि मैच वाले दिन डिसाइड करेंगे कि सिकंदर रजा को बैक करना है या फिर लियाम लिविंगस्टन को खिलाना है। वैसे रजा ने लास्ट मैच में ठीक बैटिंग करी थी, और जैसे बैटिंग विकेट हो सकता है लियाम लिविंगस्टन को भी वापस ले आए, देखते हैं क्या होता है, उनका डिसीजन है। बाकी राजस्थान रॉयल्स की टीम अपनी आज अपनी प्लेइंग 11 में एक पेसर को खिलाएगी। लास्ट मैच में केशव महाराज मतलब इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए थे, सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कर रही थी राजस्थान, तो बनता भी था क्योंकि वहाँ पर स्पिनर्स को अच्छे विकेट मिलते हैं, मगर आज का जहाँ पर मैच है वहाँ पर शायद स्पिनर्स को उतनी हेल्प है नहीं, तो वो एक एक्स्ट्रा पेसर को ला सकते हैं, या तो बर्गर को खिला लेंगे प्लेइंग 11 में, या फिर संदीप शर्मा को खिला लेंगे अगर फिट होता है तो, ठीक है। और आवेश खान कुछ अच्छे फॉर्म में चल नहीं रहे, तो अगर संदीप शर्मा फिट हुआ तो शायद आवेश खान की जगह पर आ जाए, क्योंकि कुलदीप सेन ने तो लास्ट मैच में अच्छी बॉलिंग करी थी। चलो एक काम करते हैं, प्लेइंग 11 देख ही लेते हैं सबकी, और आराम से डिस्कशन करते हैं बैटिंग ऑर्डर को लेकर भी सब चीज़ें। लेकिन वो सबसे पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एक और चीज़ कि भाइयों तुम लोग मेरी फैमिली हो, मेरा परिवार, मेरे भाई हो, ठीक है, तुम लोग को गलत सलाह नहीं दूंगा। अगर तुम क्योंकि तुम लोग खुश हो तो मैं खुश हूँ, तुम लोग की वजह से ही हूँ मैं जो भी हूँ। तुम्हारा मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुश रहो, आप हमेशा प्रॉफिट में रहो, इसीलिए आप लोगों को भाइयों एक गाइडेंस देता हूँ मैं कि प्लीज़ स्मॉल लीग सब लोग विजन 11 पर खेला करो, ना कि इरीम ग्रीम 11 पर, क्योंकि इरीम ग्रीम 11 पर भाई साहब कमीशन बहुत ज़्यादा है। इरीम ग्रीम 11 पर स्मॉल लीग अगर आप खेलोगे 2 मेंबर से लेकर 20 मेंबर 50 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट, तो आप हमेशा लॉस में रहोगे, प्रॉफिट में कभी रह ही नहीं सकते। कारण बताऊं क्यों? क्योंकि आप खुद ही अपनी स्क्रीन पर देखो कि रिम ग्रीम 11 वाला प्लेटफॉर्म आपसे कितना कमीशन लेता है, कितनी एंट्री फीस लेता है उस कॉन्टेस्ट की, और वहीं विजन 11 आपसे कितनी कम एंट्री फीस लेता है सेम कॉन्टेस्ट की।
आप खुद ही दिमाग लगाओ कि विजन 11 पर खेल के आपका कितना मोटा पैसा बचेगा, आप सेव करोगे, आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा और सेव किया हुआ पैसा आप आगे इन्वेस्ट करोगे, जल्दी बड़ा होगा। तो यहाँ पर आप जल्दी अमीर बनोगे, जल्दी अपना लॉस रिकवर कर सकते हो, और रेडिंग ग्रीन मिलियन पर आपका लॉस रिकवर नहीं हो सकता, क्योंकि आप कमीशन देते देते ही बर्बाद हो जाओगे, समझ रहे हो, कभी लॉस रिकवर हो ही नहीं सकता, इतना कमीशन वो लोग लेते हैं। बाकी ग्रैंडली अगर आपको जितनी है भाई, ग्रैंडली के लिए भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, विजन 11 बहुत बढ़िया ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि विजन 11 पर क्या, एक्चुअली विजन 11 पर 40-50 लाख रुपये मिलता है फर्स्ट रैंक पर आने वाले बंदे को मेगा लीग में, और यहाँ पर आपको लेकिन 3-4 लाख टीमों को हराना है बस, और 3-4 लाख टीमों को हरा के अगर आप फर्स्ट आ गए तो आप 40-50 लाख रुपए जीत जाओगे। वहीं रिम ग्रीन मिलियन पर आपको 1.5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 80 लाख टीमों को हराना पड़ता है। तो वहाँ पर जीतना बहुत मुश्किल है, यहाँ पर जीतना बहुत आसान है, ठीक है। इसलिए विजन 11 पर ही मेगा लीग खेलो। आपको हर मैच में विजन 11 पर फ्री कॉन्टेस्ट मिलते हैं, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये के फ्री गिव अवे कॉन्टेस्ट मिलते हैं, उनको भी ज्वाइन किया करो, ठीक है। और 100 रुपये भी आपको फ्री में मिल रहे हैं अभी आज, अगर आप अभी अभी जाके विजन 11 आपको डाउनलोड करते हो मेरे लिंक से, तो आपको 100 रुपये का रियल कैश मिल जाएगा साइनअप करने पर, बस आपको ईमेल आईडी मोबाइल नंबर वेरीफाई जरूर करना है, ठीक है। तो जाइए, लिंक मैंने दे दिया विजन 11 का डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में क्लिक करो, डाउनलोड करो, और मेरा रेफर कोड अनुराग जरूर यूज़ करो, ताकि आपको 100 रुपये का रियल कैश मिले, ओके। यहाँ पर हेड टू हेड फैंटेसी, एक्सपर्ट मोड वाली फैंटेसी, सेकेंडिंग फैंटेसी, रिवर्स फैंटेसी, सब कुछ है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर खेलने का आपको मज़ा ही अलग आएगा आपको, ठीक है। बाकी ठीक है, और एक और प्राइवेट कॉन्टेस्ट वाला कोड वाला गिव अवे भी है विजन 11 पे मेरी तरफ से, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो 1 लाख रुपए का। चलो आगे बढ़ते, बात करते फिलहाल हम प्लेइंग 11 की। देखो भाई, अब पंजाब की पहले हम प्लेइंग 11 दोस्तों देखें, तो यहाँ पर शिखर धवन और जॉनी बेस्टो आपको ओपन करते हुए देखेंगे पंजाब के लिए। 3 नंबर पर आएंगे प्रभ सिमरन सिंह बैटिंग करने, 4 पे सैम करण है, 5 पे सिकंदर रजा या फिर लियाम लिविंगस्टन में से कोई एक आएगा। उसके बाद जितेश शर्मा है, शशांक सिंह है, उसके बाद आशुतोष शर्मा जो कि हार्ड हिटिंग बल्लेबाज है, हरप्रीत ब्रार हैं, हर्षल पटेल हैं, कगिसर अबाडा हैं और अर्शदीप सिंह हैं, ठीक है। ये होगी प्लेइंग 11 इनकी पंजाब की। इसमें एक मैंने इंपैक्ट प्लेयर भी जोड़ लिया, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर अर्शदीप सिंह खेलेंगे। जब बैटिंग करेगी पंजाब की टीम तो अर्शदीप सिंह बाहर होंगे, आशुतोष शर्मा खेल रहे होंगे या फिर हाँ सिमरन सिंह खेल रहे होंगे, और जब बॉलिंग करेगी पंजाब की टीम तो अर्शदीप सिंह आ जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि भाई यहाँ पर राहुल चहर को मौका दे दिया जाए ब्रार की जगह पर, देखते हैं उनका डिसीजन है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं राजस्थान की प्लेइंग 11 की, ठीक है, राजस्थान की प्लेइंग। हाँ, एक और चीज़ बता दूं मैं कि सैम करण वैसे 4 नंबर पर भाई बैटिंग कर रहा है पंजाब के लिए, बट कभी अगर हिटिंग की ज़रूरत हुई, ओपनिंग पार्टनरशिप या टॉप ऑर्डर पार्टनरशिप एक लंबी लग गई, तो जितेश शर्मा या रजा को लिविंगस्टन को प्रमोट किया जा सकता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजस्थान की प्लेइंग 11 की। तो इनके लिए यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर फिर से आपको ओपन करते हुए देखेंगे, 3 नंबर पर आएंगे संजू सैमसन, 4 पर रियान पराग आएंगे, फिर सिमरन हिटमायर है, ध्रुव जुरेल है, रविचंद्रन अश्विन है, ट्रेंट बोल्ट है, आवेश खान है, उसके बाद कुलदीप सेन है और युजवेंद्र चहल। ये होगी प्लेइंग 11 सन रॉयल्स की। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे बॉलिंग कराने आ जाएंगे नांद्रे बर्गर, ठीक है, और हो सकता है कि आपको आवेश खान की जगह पर संदीप शर्मा खेलते हुए दिख जाए इस मैच में, क्योंकि लास्ट मैच बॉलिंग अच्छी नहीं कराई थी, ठीक है। तो ये सीन है, चलो देखते बाकी कौन आता है इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर। आज वैसे मेरे ख्याल से केशव महाराज को नहीं आना चाहिए, नांद्रे बर्गर को खेलना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। अब भाइयों, आ चुके हैं पिच की तरफ, कि भाई पिच रिपोर्ट की तरफ, कि भाई क्या होने वाला है इस ग्राउंड पे, कैसी पिच है, कौन रन बनाता है, कि कौन विकेट लेता है, सबके बारे में आपको अच्छी जानकारी देता हूँ, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बढ़े रिस्क लेने में, कि कौन से प्लेयर पर हमें रिस्क लेना है। लेकिन उससे ही पहले भाइयों, हम बात कर लेते हैं अपनी 90 लाख रुपये की विनिंग के बारे में। आप लोगों ने भाई साहब देखा होगा सबने, कि मैंने टेलीग्राम पर जो लोग फॉलो करते हैं, कि मैंने 90 लाख रुपए कल प्रोबो पर विन किए, और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी विनिंग है प्रोबो पर अभी तक। इससे पहले मतलब 47 लाख 40 लाख रुपए के आसपास थी, बट कल हुआ क्या, कल भाई साहब मैं शायद क्योंकि काम बहुत ज़्यादा, मैं सो नहीं पा रहा था, तो मुझे लगा कुलदीप यादव मेरी टीम में, और जब 16वां ओवर चल रहा था फर्स्ट इनिंग, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कुलदीप यादव तो मेरी टीम में है ही नहीं। मैंने चेक किया, मैं हैरान हो गया, मगर मेरा प्रेडिक्शन था लाइव शो में भी, वीडियो में भी, कि दिल्ली जीतेगी। मैंने दिल्ली की जीत पे यस किया और मोटा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, समझ रहे हो, और जितना मेरे वॉलेट में था पूरा पैसा लगा दिया, अच्छा कमा लिया। मैंने यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स के क्वेश्चंस पे यस करते गया अपने प्रेडिक्शन, पृथ्वी शॉ के मैंने 25 रन यस किए, मैंने ऋषभ पंत के 25 रन यस किए, समझ रहे हो, और मुझे पता था कि, और ये फर्स्ट इनिंग में मैंने आयुष भदौनी के 25 रन यस किए थे। तो ये सब चीज़ें इस तरीके से यस नो कर करके मैं पैसा कमाता गया। अब आप सोच रहे हो ये कैसे है, तो भाई देखो मैं आपको समझाता हूँ प्रोबो क्या चीज़ है। पूर्वो इंडिया का पहला और सबसे बड़ा ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको अपने ओपिनियन देने हैं, हाँ या ना में, और अगर आपका ओपिनियन अगर सही गया, आपके प्रेडिक्शन अगर सही गए, तो आप जीत जाओगे, पैसे जीत सकते हो यहां पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आज के मैच में एक सवाल है कि क्या पंजाब की टीम आज का मैच जीतेगी, भाई मुझे लग रहा है हाँ जीतेगी,
तो मैं इसमें यस करूंगा और यस पे पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा अपना। अब अगर पंजाब जीत गई तो मैं पैसे जीत जाऊंगा, विड्रॉ कर लूंगा अपने अकाउंट में, सिंपल है। और यहाँ एक और सवाल है, सिकंदर रजा क्या प्लेइंग 11 में होगा आज? मुझे लग रहा है सिकंदर रजा को टीम बैक करेगी, तो मैं यहाँ पर सिकंदर, क्योंकि दो फिनिशर आपके पास ऑलरेडी है, शशांक सिंह, आशुतोष शर्मा है, तो आई थिंक करेगी, बैक करेगी, तो मैं इसमें यस करूंगा, यहाँ सिकंदर रजा खेलेगा। तो आप भी यहाँ पे इसमें यस नो करके पैसे जीत सकते हो, इस तरीके के सवाल है। और बहुत सारे प्लेयर्स के भी सवाल होते हैं कि ये प्लेयर 25 में बनाएगा, वो प्लेयर 25 में बनाएगा, ये बॉलर क्या आज की मैच में 2 विकेट लेगा, वो बॉलर 2 विकेट लेगा, 6 ओवर में कितने रन बनेंगे, 3 ओवर में कितने रन बनेंगे, 6 ओवर में कितने विकेट गिरेंगे, 3 ओवर में कितने विकेट गिरेंगे, इस तरीके के सवाल होते हैं। कितने रन की पार्टनरशिप होगी, फर्स्ट इनिंग का स्कोर क्या होगा, ये सब चीज़ें, कितने विकेट से सेकेंड इनिंग में टीम जीतेगी, कितने रन से सेकेंड इनिंग में टीम जीतेगी, मतलब हर तरीके के सवाल होते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको 11 प्लेयर्स की टीम नहीं बनानी, 11-11 खिलाड़ियों के ऊपर डिपेंड नहीं होना, कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं चुनना, सिंपल आप एक एक प्रेडिक्शन पर पैसा इन्वेस्ट करके जीतते जाओ और इन्वेस्ट करते हो, जीतते जाओ, पूरे मैच खेलो। तो बढ़िया प्लेटफॉर्म में सभी लोग जाके प्रोबो का ऐप डाउनलोड करो, प्रोबो का लिंक मैंने आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में। मेरे लिंक से जब आप जाओगे तो आपको 100 रुपये से लेकर 500 रुपये के बीच में कोई भी अमाउंट आपको वेलकम बोनस के तौर पर मिल जाएगा और पूरा अमाउंट आप फ्री में यूज़ कर सकते हो पहले दिन। तो जाइए प्रोबो का ऐप डाउनलोड करिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया, ठीक है। अब आगे बढ़ते भाई ये बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। भाई ये मैच होगा महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम चंडीगढ़ में। अब यहाँ का जो एवरेज स्कोर है वो 180 रन का है। बैटिंग के लिए पिच बहुत बढ़िया है, अच्छी विकेट है, और अगर बॉलिंग टाइप देखें भाई फास्ट बॉलर्स को यहाँ के लिए मतलब काफ़ी अच्छी विकेट है, फास्ट बॉलर्स को यहाँ पर ज़्यादा विकेट मिलते हैं। अगर हम पिछले 2 IPL के मैच देखें तो टोटल पिछले 2 मैचेस में 23 विकेट लिए हैं फास्ट बॉलर्स ने और 4 विकेट लिए हैं स्पिनर्स ने, 27 विकेट गिरे हैं, ठीक है। और यहाँ पर डिफेंडिंग बायस है, यहाँ पर 16 बार टीम जीती है जो डिफेंड कर रही है और 9 बार टीम जीती है जो चेस कर रही है, बाद में बैटिंग कर रही है, ठीक है। और अगर हम पिछला मैच सिर्फ पिछला मैच उठा लें पंजाब वाला, तो वहाँ पर 18 विकेट गिरे थे और 18 के 18 विकेट भाई साहब सब के सब फास्ट बॉलर्स ने लिए थे। सोचो ये है, ये हाल है कि मतलब बहुत अच्छी विकेट है, फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा विकेट मिलते हैं। अब अगर स्कोर की बात करें आराम से 180 रन का मैच आपको देखने को मिलेगा कोई भी टीम पहले बैटिंग करे। और हाँ, अगर पिच अगर चेंज हो जाती है, अगर जिस पिच पर पहले 2 मैच हुए हैं उस पिच पर अगर मैच नहीं होता है, नई पिच पर मैच होता है, तो मैं आपको बता दूंगा वो चीज़, वो जानकारी मैं आपको दे दूंगा और फ्रेश पिच रिपोर्ट भी आपको दे दूंगा अपने लाइव शो पे फैंटेसी काउंटडाउन में, जो कि शाम को 6:30 बजे हमारे यूट्यूब पे स्टार्ट हो जाता है, तो शो देखने जरूर आना, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर और थोड़ी जानकारी लेते हैं भाई, 2 ही मैच IPL के यहाँ पर होस्ट करें, ओवरऑल अच्छी विकेट है, बल्लेबाजों को ज़्यादा मज़ा आता है और फास्ट बॉलर्स को अच्छे विकेट मिलते हैं। अब बात करते हैं हेड टू हेड टीम रिकॉर्ड की, कि भाई जब ये दोनों टीम सामने सामने खेली हैं भाई साहब 26 बार, जिसमें से 11 बार जीती है पंजाब की टीम और 15 बार जीती है राजस्थान की टीम। हाँ, पंजाब से तो स्ट्रॉन्ग मतलब राजस्थान हमेशा ही रही है, वो बस वो वाला अगर सीजन निकालते ग्लेन मैक्सवेल वाला जब पंजाब के लिए खेलता था तो स्ट्रॉन्ग रही है, तो राजस्थान ने जीते 15 और 11 मैच जीते हैं यहाँ पर पंजाब ने, ठीक है। अब बात करते हैं की स्टैट्स की, मतलब वो स्टैट्स जो सच में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना और कॉन्फिडेंस आएगा आपको कि कब कौन से प्लेयर को लेना है कब नहीं, हर चीज़। लेकिन और मैं सिर्फ अच्छे स्टार्ट्स बताऊंगा, मैंने जो काम के स्टार्ट्स है, फालतू स्टार्ट्स बता के आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। मगर उससे पहले एक और तगड़ी चीज़ आप लोग को बता दूं, क्योंकि आपको तो वैसे पता ही होगा बट जिन लोगों को नहीं पता उनको बताते हैं, खुशखबरी दे देता हूं, चलो सबको दे देता हूं कि भाई वो पहले जो हमारा प्राइवेट कॉन्टेस्ट कोड होता था वो 1 लाख स्पॉट्स का होता था, यानी 1 लाख लोग खेल सकते थे, अभी वो 5 लाख लोगों का हो चुका है। तो सब लोग की शिकायत होती है भाई 10 बजे सुबह 10 बजे सुबह 12 बजे कॉन्टेस्ट फुल हो जाता है, हम ज्वाइन नहीं कर पाते। तो भाई अब आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हो, 5 लाख स्पॉट्स की जगह होगी हमारे प्राइवेट कॉन्टेस्ट वाले गिवअवे में, 5 लाख लोग खेल सकते हो रोज, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो हाँ ये कि तो आज के मैच के प्राइवेट कॉन्टेस्ट कोड क्या है, देखो भाई हम हर वीडियो में एक आपको कोड देते हैं, कॉन्टेस्ट का कोड देते हैं, उस कॉन्टेस्ट का कोड यूज़ करके आप 1 लाख रुपये के कॉन्टेस्ट में फ्री एंट्री लेते हो। कहाँ पर? विजन 11 पर। करना क्या है? सिंपल है, विजन 11 का ऐप डाउनलोड करिए, विजन 11 पर आज के मैच की टीम बनाइए और वहाँ पर ये कॉन्टेस्ट वाले पेज में जाएंगे, ये ऑप्शन आएगा प्राइवेट कॉन्टेस्ट, यहाँ पर क्लिक करिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ये कोड डालना है जैज बॉल, JAZBALL जैज बॉल, ये कोड डालोगे आप जब तो आपको फ्री एंट्री मिल जाएगी 1 लाख रुपये के कॉन्टेस्ट में। तो सभी लोग खेलना, पार्टिसिपेट जरूर करना। और एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, ये जो कॉन्टेस्ट का कोड है ना, ये यूज़ करना सुबह 12 बजे के बाद, मतलब दोपहर 12 बजे ये कॉन्टेस्ट का वाला कोड लाइव होगा 12 बजे, तो 12 बजे से पहले ना ज्वाइन करना, 12 बजे के बाद ज्वाइन करना या 12 बजे ज्वाइन कर लेना, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सके आप 11 बजे भी हो जाए तो 11, मतलब 10 बजे के बाद आप चेक करते रहना, जब आप ज्वाइन हो जाए ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और जिनके पास नहीं है विजन 11 का प्लेटफॉर्म,
वो लोग जाके विजन 11 का ऐप डाउनलोड कर ले, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दिया। अब आगे बढ़ते हुए दोस्तों बात करते की स्टैट्स की। देखो पिछले जो 11 T20 मैच इस ग्राउंड पर खेले गए, 8 मैच जो है डिफेंड हुए यानी चेस नहीं हुए हैं, फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम जीती है, ठीक है इस ग्राउंड पे। बाकी शिखर धवन का एवरेज राजस्थान के सामने 32 का जो कि ठीक है, और दो मैच इस ग्राउंड पे शिखर धवन ने खेले हैं इस आईपीएल में, दो मैच में 36 रन बनाए। जॉनी बेस्टो का जो एवरेज है वो राजस्थान के सामने 31 का है, और दो मैच जो खेले इस ग्राउंड पे जॉनी बेस्टो ने उसमें सिर्फ और सिर्फ 9 रन बनाए, एक मैच में तो रन आउट ही हो गया था बेचारा। बाकी हाँ, दोनों शिखर धवन जॉनी बेस्टो ये दोनों खिलाड़ी 3-3 बार आउट हो चुके हैं युजवेंद्र चहल से, जिसमें बेस्टो का जो स्ट्रगल है वो चहल के सामने ज़्यादा तगड़ा है, उसके बारे में आगे बात कर लेंगे मैचअप्स में। अब हम बात करते हैं प्रभसिमरन सिंह की। तो भाई प्रभसिमरन सिंह ने राजस्थान रॉयल्स के सामने दो मैच खेले हैं और दो मैच में 62 रन मारे हैं, ठीक है, और इस ग्राउंड पर दो मैच में 30 रन बना चुका है, ठीक है। सैम करन की बात करें, सैम करन ने राजस्थान रॉयल्स के सामने 7 मैच खेले हैं, 8 विकेट भी लिए हैं और 102 रन भी बनाए हैं। हाँ, इस ग्राउंड पर सैम करन ने दो मैच खेले हैं जिसमें 92 रन हैं और दो विकेट भी हैं। ओवरऑल सैम करन बढ़िया बढ़िया इनके रिकॉर्ड है। बाकी जितेश शर्मा जिन्होंने 3 मैच में 109 रन मारे हैं राजस्थान रॉयल्स के सामने, ठीक है, और इस ग्राउंड पर एवरेज जो है 54 की है जितेश शर्मा की, दो बार आउट हुए हैं और 3 मैच में 109 रन है। बाकी अगर आशुतोष शर्मा की बात करें, आशुतोष शर्मा जो इनका हिटर है ना पंजाब का, उसने भाई साहब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 11 बॉल में मतलब कि 50 रन मारे थे, और फास्टेस्ट T20 हाफ सेंचुरी उसके नाम पे है, ठीक है। मैं T20 इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा, मैं IPL की बात नहीं कर रहा, मैं T20 फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ डोमेस्टिक में। तो भाई साहब डोमेस्टिक में इस बंदे ने 11 गेंदों में 50 रन बनाए, बहुत तगड़ा हिटर है, और वो तो आप लोग को दो मैच में इसकी हिटिंग देख के पता चल गया होगा। बाकी हर्षल पटेल ने 10 मैच में भाई साहब 18 विकेट लिए हैं राजस्थान रॉयल्स के सामने, जो कि बहुत अच्छे रिकॉर्ड है, और इस ग्राउंड पर भी दो मैच में 4 विकेट ले चुके हैं। बाकी कगिसो रवाड़ा के भी रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है राजस्थान के सामने, 7 मैच में 12 विकेट हैं और इस ग्राउंड पर 2 मैच में 2 विकेट हैं। बाकी अर्शदीप सिंह ने 7 मैच में 15 विकेट लिए राजस्थान रॉयल्स के सामने, ठीक है, और 2 मैच में 6 विकेट इस ग्राउंड पर भी ले चुके हैं। तो इनके तीनों बॉलर्स के रिकॉर्ड बड़े तगड़े हैं राजस्थान रॉयल्स के सामने ग्राउंड पर भी, ठीक है। और अर्शदीप सिंह ने जो 7 मैच में 15 विकेट लिए हैं भाई, ये इनके हाईएस्ट विकेट हैं किसी एक टीम के सामने, ठीक है, तो बहुत बढ़िया, सबसे बेस्ट रिकॉर्ड इनका राजस्थान रॉयल्स के सामने ही है। अब बात करते हैं राजस्थान के प्लेयर्स के बारे में, उनके क्या स्टैट्स हैं, उनके क्या रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं अपने प्राइवेट कॉन्टेस्ट गिवअवे, जो हमारा वीडियो में सवाल जवाब वाला गिवअवे होता है उसका मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता हूं। तो आज की वीडियो का जो हमारा भाई क्वेश्चन है वो ये है कि आज के मैच में सबसे कम रन कौन सा बॉलर देगा, मतलब बेस्ट बॉलर आपको बताना है, मगर यहाँ पे विकेट से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर वो माना जाएगा वो गेंदबाज जो 4 ओवर पूरे डालता है और सबसे कम रन देता है। तो बताओ आज के मैच में कौन सा गेंदबाज 4 ओवर डालने के बाद भी सबसे कम रन देगा, ठीक है। तो जितने गेंदबाजों ने 4 ओवर बॉलिंग करी आज मैच में वही माना जाए, और मान लो कोई गेंदबाज सेकेंड इनिंग में चौथा ओवर डाल रहा है, चौथा ओवर 3.3 ओवर उसने डाले और मैच खत्म हो गया, तो भी उसके रन काउंट किए जाएंगे, ये मैं कंडीशन अभी से बता रहा हूँ, ठीक है। तो बताओ कौन सा गेंदबाज है जो 4 ओवर डालने के बाद सबसे कम रन देगा आज के मैच में, तुक्का मारो। तो गेस करो और इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में लिख लो, ठीक है। बाकी आपसे और सवाल आगे पूछूंगा, उनका भी जवाब लिख लेना, और अगर आपका तुक्का सही बैठ गया, आपने सही जवाब दे दिया, तो आप भी जीत जाएंगे 5,000 रुपये और कल की वीडियो में आपका नाम आ जाएगा, आप भी जीत जाएंगे। बस एक शर्त है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वो जरूर कर देना। अब आगे बढ़ते हैं राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो यशस्वी जायसवाल के भाई साहब रिकॉर्ड बहुत तगड़े हैं, 4 मैच में ऑलमोस्ट 180 रन है पंजाब के सामने, एवरेज 45 का है 4 मैच में, इसका मतलब आउट हुए हैं, और स्ट्राइक रेट 150 का है, ठीक है। बाकी यशस्वी जायसवाल इस बार IPL में 5 मैच खेले हैं, फ्लॉप तो 5 में हुए, मगर 3 बार लेफ्ट आर्म पेसर के सामने आउट हो चुके हैं 3 बार, और आज भी उनके सामने पावर प्ले में एक लेफ्ट आर्म पेसर होगा अर्शदीप सिंह, जो ऑलरेडी इनको 15 गेंदों में 2 बार आउट कर चुका है। तो क्या लगता है अर्शदीप सिंह को झेल पाएंगे आज, या फिर अपना विकेट फिर से दे देंगे? और एक क्या, आज तो 2-2 लेफ्ट आर्म पेसर होंगे, समझ रहे हो, सैम करन भी तो हैं, सैम करन भी होगा, तो यशस्वी जायसवाल देखते हैं भाई कैसा खेलते हैं आज के मैच में। बाकी जॉस बटलर की जो एवरेज है वो 36 रन की है पंजाब के सामने, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, और भाई साहब 65 रन अगर आज जॉस बटलर ने बना दिए तो 500 रन हो जाएंगे पंजाब के सामने जॉस बटलर के, ठीक है। बाकी जॉस बटलर की जो एवरेज है वो रवाडा के सामने वो 53 की है, यानी रवाडा को 53 रन बनाता है 53 रन बनाने के बाद अपना विकेट देता है रवाडा को, ये एवरेज है रवाडा के सामने, और रवाडा के सामने स्ट्राइक रेट भी भाई साहब बहुत तगड़ी 150 की है जॉस बटलर की। संजू सैमसन की बात करें तो भाई संजू सैमसन ने 702 रन बनाए पंजाब के सामने, और इनकी एवरेज 39 की है, और इनका जो हाईएस्ट स्कोर है, संजू सैमसन को जो सबसे बड़ा स्कोर है इनके करियर में, IPL के करियर में,
आईपीएल ही करियर रहा है, बाकी इंटरनेशनल कहाँ ही ज़्यादा खेल पाए, जब मौके मिले तो अच्छा नहीं किया। तो 119 रन की जो पारी थी इनकी, सबसे हाईएस्ट स्कोर इनका आईपीएल में 119 रन है, और वो इसी टीम के सामने आया था, पंजाब के सामने, तो इनके लिए एक तरह से फेवरेट टीम है, 700 रन भी बना चुके हैं इनके सामने। बाकी रियान पराग ने 7 मैच में सिर्फ और सिर्फ 70 रन मारे हैं पंजाब के सामने, मगर इसके रिकॉर्ड पुराने भूल जाओ, रियान पराग इज एब्सोल्यूटली इन ब्रिलियंट फॉर्म भाई। बंदा क्या टाइमिंग कर रहा है, क्या शॉट मार रहा है, बहुत तगड़ी बैटिंग कर रहा है, ठीक है। और राजस्थान रॉयल्स के लिए हाईएस्ट रन स्कोरर है इस साल, 261 रन बना चुका है, 87 की एवरेज है उसकी इस बार आईपीएल में, बहुत तगड़ा मार रहा है। शिवरन हेटमार की भी बात कर लेते हैं, 6 मैच में ऑलमोस्ट 150 रन मार चुका है पंजाब के सामने, एवरेज 37 की, जो कि बढ़िया है, यानी नॉट आउट काफ़ी बार गया है, अच्छा फिनिश कर रहा है, और 172 की स्ट्राइक रेट भी है, तो बढ़िया शिवरन हेटमार के रिकॉर्ड भी पंजाब के सामने काफ़ी अच्छे हैं। बाकी पंजाब के सामने अश्विन ने 21 मैच में बस 21 विकेट लिए हैं, और बोल्ट ने 13 मैच में बस 9 विकेट लिए हैं, आवेश खान ने बस 7 मैच में 4 विकेट लिए हैं, तो ओवरऑल इनके बॉलर्स का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं। हाँ, चहल की बस बात करनी पड़ेगी, चहल का रिकॉर्ड थोड़ा बढ़िया है, युजवेंद्र चहल ने 19 मैच खेले हैं पंजाब के सामने और 19 मैच में भाई साहब 29 विकेट लिए हैं, तो चहल को छोड़ के बाकी सब गेंदबाजों के रिकॉर्ड ढीले हैं, ठीक है। और ये भाई साहब मतलब कि यूजी का ये बेस्ट रिकॉर्ड है, मतलब किसी भी टीम के सामने, जिस मतलब सबसे ज़्यादा विकेट यूजी ने अगर किसी टीम के सामने लिए हैं आईपीएल में, तो वो यही है, ठीक है, ये टीम है, क्या नाम है, पंजाब। बाकी युजवेंद्र चहल ऑलरेडी आईपीएल के तो हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, अभी तक आईपीएल में युजवेंद्र चहल से ज़्यादा किसी ने विकेट नहीं लिए, 197 विकेट भाई साहब आईपीएल में ले चुके हैं, और अगर आज अगर 3 विकेट ले लेते हैं युजवेंद्र चहल, तो पहले आईपीएल बॉलर, आईपीएल के बॉलर बनेंगे जिन्होंने 200 विकेट लिए, तो देखते हैं आज ले पाते या नहीं। चलो ये तो होगी भाई स्टैट्स की बात, आई होप आपके समझ में आए होंगे सारे स्टैट्स, मैंने आपको समझा दिए, अब आपका काम है एक जगह नोट डाउन करना किसके रिकॉर्ड अच्छे हैं ख़राब हैं कब कैसे है ना। अब हम बात करते हैं मैचअप्स की, तो ध्यान से सुनना कि किस खिलाड़ी को कौन सा गेंदबाज कितनी बार आउट करता है, कितना परेशान करता है, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिखर धवन की, भाई शिखर धवन ने रविचंद्रन अश्विन को 4 बार अपना विकेट दिया है और 109 बॉल में, तो देखा जाए तो 109 बॉल में 4 बार विकेट देना नॉट बैड, ठीक है, कोई ख़राब बात नहीं है, मगर रन बहुत कम है, सिर्फ और सिर्फ 92 रन है, मतलब स्ट्राइक रेट इनकी भाई साहब 80 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए शिखर धवन ने अश्विन के सामने, बहुत धीरे खेलते हैं, इनको खेलने में दिक्कत होती है, मगर विकेट भी देखो 100 मतलब 100 बॉल बंदा की खेल चुका है, 4 बार ही अपना विकेट दिया है, तो खेल लेता संभाल लेता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर देखो युजवेंद्र चहल को भी तीन बार विकेट अपना दे चुके हैं शिखर धवन, लेकिन इनको 78 गेंदों में 106 रन भी मारे हैं, तो चहल के सामने स्ट्राइक रेट बढ़िया है, तो चहल को बढ़िया खेलते हैं। बाकी T20 फॉर्मेट यार, बल्लेबाज मारने आता है, स्वीप करता है, तो RBW हो ही जाता है और क्या है ना, है कि नहीं। बाकी जॉनी बेस्टो का अगर आप देखोगे चहल के सामने, तो 42 बॉल्स में सिर्फ और सिर्फ 52 रन हैं, 3 बार अपना विकेट दिया, तो जॉनी बेस्टो को चहल के सामने संभल कर रहना पड़ेगा। बाकी जॉनी बेस्टो वैसे 2 बार अपना विकेट ट्रेंट बोल्ट को भी दे चुके हैं 40 बॉलों में, लेकिन ट्रेंट बोल्ट को इन्होंने रन बहुत मारे हैं 73 रन, ठीक है। और ये जो भाई बाहरी बल्लेबाज होते हैं ना, ये लेफ्ट आर्म पेसर के सामने ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करते, ठीक है, इनको अंदर आती हुई गेंद हमेशा परेशान करती है, पता नहीं क्यों, जितने भी बाहर के खिलाड़ी होते हैं ओवरसी प्लेयर्स। अब बात करते हैं यशस्वी जायसवाल की, तो भाई जायसवाल अर्शदीप सिंह को 15 गेंदों में 2 बार अपना विकेट दे चुके हैं और सिर्फ 15 रन बनाए, और वैसे भी इस टूर्नामेंट में 3 बार आउट हो चुके हैं जायसवाल लेफ्ट आर्म पेसर के सामने, और आज जायसवाल के सामने 2-2 लेफ्ट आर्म पेसर होंगे सैम करन और अर्शदीप सिंह, देखते हैं खेल पाते हैं नहीं, तो इनके तो इनकी आपकी टीम में मतलब सेफ हैं, बट कैप्टन वैसे उनके लिए रिस्की है। बाकी संजू सैमसन और सैम करन का अगर हम रिकॉर्ड देखें, तो भाई संजू सैमसन को सैम करन आउट कर चुके हैं 2 बार 15 बॉलों में, लेकिन सैमसन ने 20 रन मारे हैं, मतलब दिक्कत है, सैमसन का विकेट सैम करन ले सकता है, दोनों के नाम में सैम सैम है, सैम सैम बट डिफरेंट। उसके बाद संजू सैमसन को भाई हर्षल पटेल ने भी आउट किया हुआ है 19 गेंदों में 2 बार और सिर्फ 18 रन दिए हैं, तो सैमसन के सामने भी भाई 2 खतरे होंगे। और रियान पराग और खगिसो रबाडा के अगर हम रिकॉर्ड देखें 14 गेंदों में 17 रन बनाए और 2 बार अपना विकेट दिया है, तो भाई रियान पराग का हर्षल पटेल के सामने भी मैचअप है, 20 गेंदों में 2 बार अपना विकेट दे चुके हैं, लेकिन रियान पराग ने हर्षल पटेल की पिटाई बहुत अच्छी करी, तो ये रिकॉर्ड में मानता नहीं। हाँ, हेटमायर के अगर आप देखोगे तो सिमरन हेटमायर ने अर्शदीप सिंह को 2 बार अपना विकेट दिया 43 बॉल्स में, लेकिन रन भी अच्छे बनाए 64, ठीक है। तो ओवरऑल आप लोगों ने अभी तक जितने भी नंबर्स देखे सुने, क्या आपको लगा बॉलर्स में चहल को छोड़ के कोई भी आरआर के बॉलर का रिकॉर्ड अच्छा नहीं पंजाब के सामने, पंजाब के सभी बल्लेबाजों का जो एवरेज है राजस्थान के सामने डिसेंट है, ठीक है, और ये उनका होम ग्राउंड है वो भी एडवांटेज है। उसके बाद अगर हम देखें तो भाई राजस्थान के जितने भी बल्लेबाज हैं सबके 2-2 मैचअप्स हैं इनके पंजाब के बॉलर्स के सामने, है कि नहीं। तो ओवरऑल आपको क्या लग रहा है कौन स्ट्रॉन्ग है, भाई मुझे इस मैच में पंजाब बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है और आरआर स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही है,
चलो कोई बात नहीं, अपनी अपनी फैंटेसी पर फोकस करते हैं, कोई जीते हारे में क्या, हमें तो अपने प्लेयर से मतलब है कि नहीं। चलो तो फैंटेसी क्रिकेट टिप्स मैं आप लोग को देता हूँ, किसको आपको अपनी टीम में कब पिक करना है, कौन किसको कब ट्रम्प बनाना है, जो भी चीज़ें सब डिस्कस करते हैं, लेकिन और ध्यान से सुन लेना। बट उससे पहले आप लोगों को भाई फिर से बता दूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने लोगों को भी भाइयों अभी तक नहीं पता है, इस IPL 2024 में हमारा हमने अपना खुद का शो लॉन्च किया फैंटेसी काउंटडाउन, जो कि शाम को 6:30 बजे स्टार्ट होता है। आप सभी लोग प्लीज़ आया करो। कल मैंने अपने शो पर ही बोला था कि दिल्ली जीतेगी, मैंने अपने शो पर बोला था आयुष बदोनी आज बहुत तगड़ी बैटिंग करेगा, कल मैंने अपने शो पर बोला था मार्कस स्टोनिस कुणाल पांड्या फ्लॉप, कल मैंने शो पर बोला था कि भाई रिश्तेदार आए, इनके सारे फैमिली वाले आए, कुलदीप यादव के 2 विकेट कम से कम लेगा, उसने लिए थे। तो बहुत सारी चीज़ें आपको शो पर प्रेडिक्शन मिलते हैं। टॉस के बाद हम आपके साथ में टीम बनाते हैं, आपको ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन देते हैं, ग्रैंड लीग के टिप्स देते हैं, और जो प्लेयर मैं आपको मतलब बताता हूँ ऑलमोस्ट ऊपर वाले के आशीर्वाद से वो अभी तक अच्छा कर रहा है, आज कौन होगा, जो भी है मज़ा लेना पूरा शो पर आना, आपकी कोई भी कन्फ्यूज़न दूर कर देंगे, आपके हर सवाल का हम जवाब देंगे। तो यूट्यूब पर 6:30 बजे का अलार्म लगा लो, हमारा शो देखना फैंटेसी काउंटडाउन, ठीक है। अब हम बात करते हैं फैंटेसी क्रिकेट टिप्स के बारे में। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में भाई साहब दो ऑप्शन है राजस्थान की तरफ से, संजू सैमसन और जॉस बटलर, दोनों आपके लिए भाई साहब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस दिन जॉस बटलर का दिन होता है बड़ा स्कोर करता है, सैमसन अच्छे फॉर्म में है, तो दोनों आपके लिए ज़रूरी हैं। जॉनी बेस्टो को लोग शायद उतना पिक ना करें, भरोसा ना दिखाएं, मगर जॉनी बेस्टो भाई बहुत तगड़ा प्लेयर है, और आप इसको मेरे ख्याल से इसको आपको बैक करना चाहिए, सेफ पिक है, ओपन करेगा, जिस दिन चल जाएगा ये भी भाई जिस दिन चलता है बड़ा ही मारता है, 60-70 रन मारता है। और जितेश शर्मा फिनिशर वाला रोल प्ले करेंगे, विकेट कीपिंग करेंगे, तो अगर पंजाब की टीम पहले बैटिंग करे तो आप चाहो तो जितेश शर्मा को भी ट्राई कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी, मैं तो भाई करूँगा। बाकी बैटिंग सेक्शन में आ जाएं तो जायसवाल, अगर अर्शदीप सिंह को अगर अच्छे से खेल गया तो जायसवाल बहुत बड़ी पारी खेलेगा, और जायसवाल भाई बड़ा प्लेयर है, सेंचुरी मारता सीधा जिस दिन चलता है, तो आपको टीम में तो रखना पड़ेगा, सेफ पिक है। शिखर धवन टेक्निकली बहुत स्ट्रांग प्लेयर है, एंकर करता है इनिंग को, और तो शिखर धवन को भी लेना पड़ेगा। बाकी बैटिंग सेक्शन में और कोई इतना अच्छा ऑप्शन है नहीं स्मॉली के हिसाब से। हाँ एक प्रभ सिमरन सिंह है प्लेयर जो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे आएगा बैटिंग करने, और प्रभ सिमरन सिंह हिट एंड मिस टाइप का प्लेयर है, रिस्की है स्मॉली के लिए, मगर फिर भी अगर आप इसको ट्रम्प प्लेयर बनाना चाहो तो ट्रम्प बना सकते हो। और एक और ट्रम्प प्लेयर है जो राजस्थान की टीम से आप बना सकते हो, वो है हिटमायर। हिटमायर की एवरेज इनके सामने पंजाब के सामने बहुत बढ़िया है, स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया है, और अच्छा फिनिश करता है, तो अगर राजस्थान की टीम अगर पहले बैटिंग करे तो आप सिमरन हिटमायर को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, आपके लिए डिफरेंशियल पिक इस मैच में हो सकते हैं। बाकी शशांक सिंह बहुत नीचे बैटिंग करेंगे, आशुतोष शर्मा बहुत नीचे बैटिंग करेंगे, ध्रुव झुरेल बहुत नीचे बैटिंग करेंगे, ठीक है। वैसे अभी तक बोला नहीं, बट एक मैच बोल देता हूँ, कोई ना कोई मैच आने वाला है जिसमें ध्रुव झुरेल पूरा गेम पलटने वाला है, गेम चेंजिंग पारी खेलने वाला है, अभी तो आज तो नहीं, बट नेक्स्ट मैच में ऐसा हो जाए, देखते हैं। अब दोस्तों बात करें ऑलराउंडर्स की, तो देखो सैम करन ऑलराउंडर वाला रोल प्ले करेगा, आपके लिए बहुत ज़रूरी पिक रखना ही है, कैप्टन के लिए भी सेफ ऑप्शन है। रियान पराग बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, अभी तक 5 मैच में एक ही मैच में फ्लॉप हुआ है, 4 मैच में उसने रन बनाए, ठीक है, तो सेफ पिक है। सिकंदर रजा और अश्विन दोनों ऑप्शन जो है मतलब थोड़े से रिस्की हैं, हाँ अगर राजस्थान की टीम अगर पहले बैटिंग करे तो आप अश्विन को ट्राई कर सकते हो अपनी टीम में, क्योंकि फिर शायद अश्विन ऊपर आ जाए बैटिंग करने, बैटिंग तो फिर आ ही जाएगी, क्योंकि पंजाब के बॉलर्स के रिकॉर्ड अच्छे हैं राजस्थान के सामने, और हो सकता है आपको कोलैप्स देखने को मिल जाए, वैसे मुश्किल है कोलैप्स, बट फिर भी फर्स्ट बैटिंग करते हो अश्विन को ट्राई कर सकते हो। और रजा भाई बहुत नीचे बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग उनसे इतनी कराई नहीं जा रही, तो उतने मतलब और स्पिन के लिए पिच में हेल्प नहीं है, पिच पे ज़्यादातर विकेट फास्ट बॉलर्स को ही मिल रहे हैं, तो जो भी इन दोनों में से पहले बैटिंग करें एक को ट्राई कर लेना, बाकी उतने ज़रूरी नहीं है। अगर हम आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो ये बॉलर्स में ट्रेंट बोल्ट के ओवर लास्ट मैच में कट गए थे, लेकिन पावर प्ले में भाई साहब ओवर करता ही है, 2-3 ओवर डाल ही देता है, 2 ओवर से डालता है, बट जिस दिन बहुत अच्छी बॉल गिर रही होती है उस दिन 3 ओवर डाल देता है, तो आपके लिए दोनों इनिंग में सेफ पिक है ट्रेंट बोल्ट। कगिसो रबाडा के पास अच्छी पेस है, दोनों इनिंग आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। बाकी अर्शदीप सिंह हर्षल पटेल ये दोनों खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर पंजाब की टीम पहले बॉलिंग करे, ठीक है, और कुलदीप सेन आवेश खान अगर ये दोनों गेंदबाज खेलते हैं या जो भी इनमें से खेले, आपके लिए दोनों इनिंग में सेफ पिक है। बाकी नांद्रे बगर अगर खेलता है तो पहले बॉलिंग करते हुए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चहल आपके लिए स्मॉल लीग में मस्ट पिक रहेगा, क्योंकि मतलब स्पेशली अगर सेकेंड इनिंग में राजस्थान टीम बॉलिंग करे तो चहल मस्ट पिक है, भूल के भी ड्रॉप मत करना, ठीक है, वो चीज़। और बाकी हरप्रीत बरार को ग्रैंड लीग में ट्राई करना, स्मॉल लीग में ट्राई ना करना। अगर राहुल चहर खेल जाए तो राहुल चहर को भी सेकेंड इनिंग में ट्राई कर सकते हो, ट्रम्प प्लेयर बन जाएगा, ठीक है। अब बात करते भाइयों मैच की प्रेडिक्शंस की, कि आज के मेरे क्या प्रेडिक्शन है, कौन चलेगा कौन फ्लॉप होगा, चलिए ध्यान देते हैं उस पर। बट उससे पहले फिर से दोस्तों मैं बता दूं प्राइवेट कॉन्ट्रेस्ट का कोड आप लोग को दे दूं आज की वीडियो का। तो आज की वीडियो का जो कोड है, पहली बात तो एक इन्फॉर्म, दो अपडेट है, पहले ध्यान सुनो कोड से पहले। पहली चीज़ तो आज जो प्राइवेट कॉन्टेस्ट है हमारा,
फ्री जिसमें आपको फ्री एंट्री में देने जा रहा हूँ वो 1 लाख लोगों का नहीं है, उसमें 5 लाख लोग तक आ सकते हैं। तो टेंशन ना लो, आराम से ज्वाइन करना। आज फिल नहीं होगा, बहुत शिकायतें मिली भाई जल्दी फिल हो जाता है, अब फिल नहीं होगा। दूसरी चीज़, ये जो आप सुबह 10 बजे के बाद ट्राई करना, 10 बजे से कि 10 से 12 बजे के बीच में प्राइवेट कॉन्टेस्ट कोड खुल जाएगा। कॉन्टेस्ट बना हुआ है बट हमने बोला सुबह सुबह मत ओपन रखो, 10 बजे खोलो। तो 10 बजे के बाद आप लोग ज्वाइन करना, आपको एंट्री मिल जाएगी। चाहे फिर आप मैच से पहले ज्वाइन करो तब भी एंट्री मिल जाएगी, मगर अभी अगर सुबह 7, 8, 9 बजे अगर आप देख रहे हो वीडियो तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, पहले बता रहा हूँ। बट कॉन्टेस्ट का कोड का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर बता देता हूँ, याद कर लो। आज के मैच का जो प्राइवेट कॉन्टेस्ट का कोड है वो है जैज़बॉल, JAZBALL, जैज़बॉल। ये कोड आपको यूज़ करना है कहाँ पर, विजन 11 के ऐप पर कॉन्टेस्ट वाले पेज में, यहाँ पर क्लिक करना प्राइवेट कॉन्टेस्ट पे, ये कोड डालना, आपको 1 लाख रुपए के कॉन्टेस्ट में फ्री एंट्री मिलेगी। तो खेल जरूर लेना, लिंक मैंने आपको दे दिया विजन 11 ऐप का डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर लो, ठीक है। चलो, मेरा रेफर कोड अनुराग यूज़ करना ताकि 100 रुपए का आपको रियल कैश मिल जाए। अब बात करते हैं मैच की प्रेडिक्शंस की। मेरा भाई पहला प्रेडिक्शन ये है कि जैसवाल और रियान पराग, ये दोनों खिलाड़ी राजस्थान रॉयल्स के लिए रन बनाएंगे आज के मैच में, और सैमसन और बटलर में से कोई एक चलेगा। बट एक इसमें कंडीशन है, ये प्रेडिक्शन चेंज हो सकता है टॉस के बाद। प्लीज़ बी एक्टिव, लाइव शो देखने जरूर आना 6:30 बजे हमारा फैंटेसी काउंटडाउन। एक कंडीशन पे टॉस पे आएगा कुछ, प्लेइंग 11 देखूंगा मैं सामने। हो सकता है कि मैं फिर ये बोल दूं कि बटलर सैमसन का बल्ला पक्का चलेगा, जायसवाल और पराग में से कोई एक चलेगा, मैं ये भी बोल सकता हूँ, ठीक है। बाकी पंजाब के लिए मैं शिवरू की शिखर धवन और सैम करन पक्का रन बनाने वाले हैं आज के मैच में, और इनके साथ में बैस्टो प्रभसिमरन सिंह में से किसी एक का बल्ला चलेगा, और प्रभसिमरन सिंह बैस्टो में से जिसका बल्ला चलेगा वही आपके लिए ट्रंप प्लेयर होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी एक चीज़ याद आ गई, हाँ एक सवाल है, मतलब एक क्या दो सवाल हैं आज के मैच में प्रोबो पर। पहला सवाल ये कि रियान पराग आज 25 रन बनाएगा या नहीं बनाएगा। भाई अगर राजस्थान की टीम पहले बैटिंग करेगी तो मैं पक्का इसमें यस करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी यस कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो, कहाँ पर, प्रोबो पर, ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि शिखर, तीन सवाल हैं बाकी, शिखर धवन 25 रन बनाएगा नहीं बनाएगा। तो शिखर धवन तो पक्का बनाएगा, और जॉनी बैस्टो के ऊपर भी मैं रिस्क लूँगा। तो ओवरऑल मैं इन तीनों सवालों पे मैं यस करने वाला हूँ, 25-25 रन तीनों खिलाड़ियों को यस करूँगा, जिसमें रियान पराग सेकेंड इनिंग में बैटिंग करेगा तो मैं नो करूँगा, फर्स्ट इनिंग बैटिंग करेगा तो मैं यस करूँगा, ठीक है। तो आप भी इस तरीके के सवालों के जवाब दे सकते हो, प्रेडिक्शन करके पैसे जीत सकते हो, कहाँ पर, प्रोबो पर। ऑलरेडी बता दिया, सिर्फ हाई नाम है आपको प्रेडिक्शन करने सारे प्लेयर्स के, और जिस भी प्लेयर पर आपको कॉन्फिडेंस हो सिर्फ उसके सवाल पर आप प्रेडिक्शन करो, पैसे जीतो। तो जाओ जाके प्रोबो के ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक आपको दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में। मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे तो आपको 100 रुपये का रियल, 100 रुपये से लेकर 500 रुपये के बीच में कोई भी अमाउंट आपको मिल सकता है फ्री बोनस के तौर पर, पूरा बोनस यूज़ भी कर सकते हो, तो डाउनलोड जरूर कर लेना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते बात करते हैं तीसरे प्रेडिक्शन की। तो सिमरन हिटमायर राजस्थान की तरफ से और पंजाब की तरफ से जितेंद्र शर्मा, ये दोनों में से जो भी खिलाड़ी आज पहले बैटिंग करेगा कम से कम 30 रन बनाएगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है। बाकी पंजाब की टीम अगर पहले बॉलिंग करेगी तो यहाँ पर कगिसोर अबाडा और हर्षल पटेल पक्का विकेट लेने वाले हैं इस मैच में, ये मेरा प्रेडिक्शन है। साथ में हर्षदीप सिंह या सैम करन एक दो विकेट ले सकते हैं, ठीक है। अगर पंजाब की टीम पहले बॉलिंग करेगी तो वैसे भी आपको ये चारों बॉलर रखने पड़ेंगे, सैम करन तो होगा ही सबके पास, ठीक है। बाकी मैच कौन जीतेगा, मैच मुझे लग रहा है ये वाला मैच राजस्थान हारने वाली है फिर से, ये जैसे लास्ट मैच हारी गुजरात से, ये मैच हारेगी राजस्थान पंजाब से, पंजाब आज के मैच जीतेगी, ये मेरा प्रेडिक्शन है। और जो पंजाब, जो राजस्थान रॉयल्स के जो बॉलर्स का जो प्रेडिक्शन है वो मैंने अभी नहीं दिया, क्यों, क्योंकि अभी नहीं पता कि आवेश खान की जगह पर संदीप शर्मा आएंगे, कुलदीप सेन की जगह पर आएंगे, नांद्रे बर्गर से बॉलिंग कराएंगे आज इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर, वापस केशव महाराज को लाएंगे, अभी कुछ आइडिया नहीं है। तो टॉस के बाद जब लाइनअप आ जाएगी तो मैं लाइव शो हमारा चल ही रहा होगा तो अपने लाइव शो पे मैं आप लोग को राजस्थान के बॉलर्स का प्रेडिक्शन दे दूंगा, और तगड़ी ग्रैंड लीग की टीम दे दूंगा, तगड़ी प्रेडिक्शन दे दूंगा, मज़ा आ जाएगा इस मैच में, आपको ही मेरा वादा है, ठीक है। तो यही है इस वीडियो में। अगर हम बात करें अपने फैंटेसी टीम की, तो अभी जो मैंने फैंटेसी टीम बनाई है भाई आप लोग देख लो अपनी आँखों के सामने। यहाँ पर मैंने सैम करन को कैप्टन किया है जो कि एक सेफ ऑप्शन है, वाइस कैप्टन मैंने जायसवाल को किया है, बट मैं बटलर को भी कर सकता हूँ क्योंकि बस ऐसे ही मना है तो बटलर कर दूंगा, क्योंकि सैमसन के जायसवाल के सामने दो दो खतरे होंगे, देखते हैं वो खतरे पार कर पाते या नहीं, है ना। और बाकी अभी ये तो अभी के लिए टीम है, जिस टीम से मैं 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करूँगा ना वो टीम आपको मैं टेलीग्राम पर दे ही दूंगा टॉस के बाद। तो टॉस के बाद मेरी फाइनल टीम अगर आपको देखनी है स्मॉल लीग की तो आप टेलीग्राम पर देख लेना, सभी लोग जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, टेलीग्राम का लिंक आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन करो, वरना टेलीग्राम पर सर्च कर लो अनुराग द्विवेदी या @AnuragXCricket। बस ये देखना कि जो चैनल आप ज्वाइन कर रहे हो उसमें 15,80,000 से ज़्यादा लोग हैं, वेरीफाइड चैनल है, ब्लू टिक लगा है, असली चैनल ज्वाइन करना, फेक चैनल में ज्वाइन करना, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें दोस्तों अपने गिवअवे के आखिरी सवाल की,
तो हमारे जो इस वीडियो का गिवअवे का आखिरी सवाल है वो ये है कि इस मैच में सबसे ज़्यादा कैच कौन पकड़ेगा, ये आपको गेस करना है, ठीक है। जिसमें विकेट कीपर आपको नहीं लिखना है, नहीं सैमसन और जितेंद्र शर्मा का नाम नहीं होना चाहिए, बाकी आप किसी भी खिलाड़ी का नाम लिख सकते हो। तो बताओ कौन सा खिलाड़ी है जो सबसे ज़्यादा कैच पकड़ेगा। अब मान लो अगर दो खिलाड़ियों के बराबर बराबर कैच हुए तो जो वो तो उन दोनों में से जो फैंटेसी में ज़्यादा पॉइंट देगा फैंटेसी में वो सही विनर होगा, ठीक है। तो गेस करो, बताओ कौन सा खिलाड़ी है जिसके पास ज़्यादा कैच आएंगी, ज़्यादा कैच पकड़ेगा। तुक्का मारो, अगर आपका तुक्का सही बैठ गया तो आप जीत जाएंगे 5,000 रुपये और कल की वीडियो में आपका नाम आ जाएगा। और बस चैनल वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और हाँ, जो मैंने अभी आप सोच रहे हो कि मैंने दो ही सवाल पूछे हैं वीडियो में, भाई मैंने तीन सवाल पूछे हैं वीडियो में। आप वीडियो को फिर से देखो तीसरा सवाल कहाँ पर छिपा हुआ, कहाँ मिस कर दिया आपने, आप देखो और तीनों सवालों के जवाब दो कमेंट करके। और क्या बोलना है, और हाँ बस अगर गिवअवे जीतना है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, एम करते हैं कि आज वाली वीडियो में 1,00,000 लाइक आप लोग दे दोगे और कम से कम 80,000 कमेंट दे दोगे, तो पूरा कर देना टारगेट। अगर आपने पूरा कर दिया तो मैं भी अपना वादा पूरा कर दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। चलो भाई, मिलते हैं फिर आपसे शाम को 6:30 बजे अपने लाइव शो पे, मिलते हैं टेलीग्राम पर फाइनल टीम के साथ, और कल मिलते हैं एक और नई वीडियो में कुछ नए प्रेडिक्शंस और कुछ नए ज्ञान के साथ। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।